सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को आसान तरीके से पूरा कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुगल काल की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, और ये हमारा मुगल काल की प्रशासनिक व्यवस्था का हमारा पार्ट टू है। इसके पहले बारे में हमने पार्ट वन को देखा है और उसमें जो मुगल काल की प्रशासनिक व्यवस्था है उसको भी हमने उसमें डिस्कस किया है, और ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो आपने अगर उसको अभी तक नहीं देखा है तो आप जोर से देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि छुपे हुए हैं, और ये मुगल काल से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सब आपको इसी प्रशासनिक अवस्था में जो क्लियर हो जाएंगे, और इससे आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और हाँ, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए एक शॉर्ट नोट की तरह ये होगा, और ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसको आसान तरीके से। तो बस आपको बस वीडियो को एंड तक देखना है, और मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप वीडियो को कंप्लीट देखा करिए, क्योंकि इसके अंदर ही मैं आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्नों को बता देता हूँ जो कि आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और आसान तरीके से इसको समझते हैं। तो चलिए देखते हैं, तो बस आपको ध्यान से देखना है और समझना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चलिए हम बात कर लेते हैं अब मुगल काल में फारसी में अनुवादित पुस्तक के बारे में। तो मुगल काल की प्रशासनिक व्यवस्था में हमने इसके पहले जो भी मतलब विदेशी यात्री आए हुए थे या फिर प्रमुख पुस्तकें जो थीं और जो भी मतलब कि राजाओं के नाम थे उनके असली नाम, तो उन सबको हमने डिस्कस कर लिया था। और हम देखेंगे कि मुगल काल में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो फारसी भाषा में अनुवादित पुस्तक हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम इसमें बात कर लेते हैं मुगल काल की प्रशासनिक व्यवस्था में हमें फारसी भाषा में अनुवादित पुस्तक के बारे में। तो फारसी भाषा में भाई जो अनुवाद किए गए हैं पुस्तक को जो कि मुगल काल में किए गए हैं उसको मैं पे डिस्कस करेंगे, और इससे आपके प्रश्न जो है वो आते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा फारसी भाषा में बोला गया है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, जैसे गुप्त काल में आपका संस्कृत भाषा चलता था, वैसे ही हमारे फारसी भाषा जो कि मुगल काल में चलता था। तो मुगल काल में फारसी भाषा का जो कि प्रचलन बहुत ज़्यादा था, इसलिए फारसी में सब कुछ को अनुवाद किया गया था, यानी जो भी पुस्तकें हैं उसको फारसी में अनुवाद कर दिया गया था। जैसे कि बाबर जो है, बाबर का एक जो कि पुस्तक है जो कि तुजुक बाबरी जो है वो एक तुर्की भाषा में है। तो तुर्की भाषा में है लेकिन उसका फारसी भाषा में अनुवाद किया किसने किया है, तो अब्दुल रहीम खाने खाना ने। तो अब्दुल रहीम खाने खाना ने उनका जो कि अनुवाद करके और उनको क्या किया है, बाबर नामा जो कि उसकी रचना किया है जो कि हमारा फारसी भाषा में है। ओके, चलिए इसको देखते हैं और समझते हैं इसको आसान तरीके से। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले पे हमारा जो कि महाभारत। ठीक है, तो महाभारत जो है इसको फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया है, तो ये हमारा बदायूनी। ठीक है, बदायूनी ने इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया है, प्लस यहाँ पे दिया गया फजल और फैजी, मतलब कि इन सभी लोगों ने मिल करके इसका जो कि फारसी भाषा में अनुवाद किया है। लेकिन आप केवल और केवल इतना भी याद कर रख देते हैं कि यहाँ पे जो बदायूनी ने इसका मतलब अनुवाद किया फारसी भाषा में, तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, मतलब आपको याद होना चाहिए कि बदायूनी ने महाभारत, रामायण, अथर्ववेद, ठीक है, सबका यहाँ पे जो कि इन्होंने ही जो कि यहाँ पे फारसी भाषा में अनुवाद किया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे महाभारत का यहाँ पे बदायूनी, फिर रामायण का भी बदायूनी इसमें है, मतलब कि इसका डॉट का मतलब यहाँ पे कामा का यहाँ पे बदायूनी मतलब वही है, और यहाँ पे अथर्ववेद का मतलब भी वही है हमारा बदायूनी। ठीक है, मतलब यहाँ पे बदायूनी। तो इस प्रकार से देखिए सबका जो कि बदायूनी है, और यहाँ पे फजल और फैजी इसमें भी है, और इसमें बस क्या है कि हाजी इब्राहिम है। ओके, तो हाजी इब्राहिम बस केवल इसमें है अथर्ववेद में। और देखिए बस आपको केवल इसमें याद रखना है कि महाभारत, रामायण और यहाँ पे अथर्ववेद, ठीक है, तीनों हमारा जो है इसका जो मतलब फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया है, तो यहाँ पे हमारा बदायूनी है। ठीक है, तो बस आप इतना याद रखिएगा, आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। ठीक है, आगे इसमें बढ़ते हैं। तो आगे इसमें है लीलावती। तो लीलावती जो है इसका मतलब जो अनुवाद है फारसी भाषा में किसने किया है, तो फैजी ने किया है। ठीक है, लीलावती फैजी, आसानी से एकदम याद करिए, एकदम कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम आसान तरीके से पढ़िए। ठीक है, एकदम आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ये गारंटी देता हूँ आपको, अभी के अभी एकदम याद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, लीलावती जो है उसको फैजी ने जो कि इसका अनुवाद किया फारसी भाषा में। आगे इसमें देखिए नल दमयंती। ठीक है, तो नल और दमयंती को जो कि फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया है, तो ये भी फैजी ने, यानी दोनों हमारे क्या है, फैजी। ओके, तो ये दोनों फैजी है, लीलावती नल दमयंती। ठीक है, लीलावती नल दमयंती। ठीक है, तो दोनों हमारा हो गया। आगे इसमें बढ़ते हैं, आगे क्या है भाई कि यहाँ पे राज तरंगिनी। ठीक है, राज तरंगिनी जो हमारा है, तो राज तरंगिनी जो ये पुस्तक है इसका फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया है, तो शाह मोहम्मद शाहबादी। ठीक है, शाह मोहम्मद शाहबादी। तो बस केवल आप इसमें याद रखिए क्योंकि बड़ा चुकी नाम है। ठीक है, इसका तो आप केवल इतना याद रखिएगा यहाँ पे शाह मोहम्मद, यहाँ पे बस केवल इतना याद रखिए, आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। ठीक है, बस ये भी आपको याद रखना, तो आपको क्लियर हो जाएगा, आप पकड़ लेंगे कि हाँ भाई ये राज तरंगिनी जो कि किसने जो कि फारसी भाषा में अनुवाद को किया है। ठीक है, तो ये हमारा शाह मोहम्मद शाहबादी, तो केवल आप शाह मोहम्मद याद रखिएगा। ओके, आगे इसमें बढ़ते हैं।
आगे इसमें हमारा उपनिषद, तो उपनिषद के जो फारसी भाषा में अनुवादक हैं वो कौन है भाई, तो यहाँ पे दारा सिको, ठीक है, दारा सिको क्या है भाई, तो यहाँ पे उपनिषद को फारसी भाषा में अनुवाद किए हैं, तो दारा सिको उपनिषद, ओके। और यहाँ पे जो आपका लास्ट में बचता है यहाँ पे गीता, तो गीता को भी भाई किसने किया, तो गीता जो है गीता को भी हमें दारा सिको ने जो कि इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया है। तो इस प्रकार से कुछ जो कि फारसी भाषा में अनुवादित पुस्तक है, तो देखिए रामायण, यहाँ पे देखिए तीनों एकदम सीक्वेंस में, महाभारत, रामायण और यहाँ पे अथर्ववेद, ये तीनों बदायूं याद रखिएगा, लीलावती और नल दलमंती को हमें यहाँ पे फैजी, ठीक है, दोनों हमारा फैजी हो जाएगा। और इसमें देखिए एकदम सीक्वेंस आपको मतलब क्या रखना है, सीक्वेंस आपको नहीं तोड़ना है नहीं तो आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए नल दलमंती हो गए, यहाँ पे राज तरंगिनी जो है हमारा शाह मोहम्मद, और यहाँ पे उपनिषद जो है वो दारा सिको, गीता भी दारा सिको। तो बस ये आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा आई होप। आगे बढ़ते हैं इसको, इसमें देखते हैं और भी यहाँ पे जो स्थापत्य कला और चित्रकला को, ठीक है। तो भाई अब स्थापत्य कला क्या होता है इसको आप समझ लीजिए, तो भवन, मकबरा, बाग बगीचे इत्यादि का निर्माण विभिन्न प्रकार की शैलियों से जब किया जाता है तो इसको हम स्थापत्य कला कहते हैं। तो मुगलकालीन स्थापत्य कला के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे चित्रकला के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं स्थापत्य कला के बारे में, ओके। तो देखिए स्थापत्य कला देखते हैं, तो मुगल काल के आने से मुगल काल में गुंबद और मेहराब बनना प्रारंभ हुए, ठीक है, तो यानी गुंबद और मेहराब दोनों जगह बनना हमें प्रारंभ हुए। अब हम आपको इसमें आगे चित्र के माध्यम से दिखाएंगे, ओके। तो पहले आप इतना जो कि समझ लीजिए, हम आपको अभी आगे दिखा देंगे कि भाई मेहराब क्या होता है और गुंबद क्या होता है। देखिए गुंबद जैसे कि ऊपर यहाँ पे गोल सा बना होता है, अभी हमको दिखा देते हैं। देखिए आगे इसमें कि मुगल काल, मुगल वास्तुकला का प्रारंभ बाबर से शुरू हो गया, बाबर को चार बाग शैली का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए चार बाग शैली का जनक कहा जाता है। तो देखिए वैसे तो बाबर जो है इसका मतलब पूरा जीवन एकदम लड़ते झगड़ते में ही खत्म हो गया, ठीक है, यानी लड़ाई करने में इसका पूरा जो कि जीवन खत्म हो गया। और देखिए वैसे भी देखिए जब से बाबर आए हैं ना तो उस समय से यहाँ पे जो कि मुगल काल का जो वास्तुकला है, ठीक है, उसका यहाँ पे प्रारंभ हो गया था, यानी मुगल काल में बाबर के आने से ही वास्तुकला जो है वो प्रारंभ हो गया था। और यहाँ पे इसने चार बाग शैली का इसको इनको जनक जो कहा जाता है, ठीक है, यानी बाबर को चार बाग शैली का जनक कहा जाता है। चार शैली भाई क्या होता है कि इन्होंने मतलब डायरेक्ट नहरों के द्वारा अपने जो कि सिंचाई करने के मतलब व्यवस्था जो कि बनाया हुआ था उसी को यहाँ पे चार बाग शैली या फिर उसको मोइबियन पद्धति के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आप उसको याद रखिएगा, इन्होंने डायरेक्ट नहरों के द्वारा जो कि सिंचाई करना यहाँ पे प्रारंभ किया था, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्ट जैसे यहाँ पे नहर आ रहा है तो यहाँ पे डायरेक्ट जो कि खेतों में इस प्रकार से चार बाग जैसे बना दिया गया था, यहाँ से पानी आता था, इस प्रकार से सब मतलब कि इस बार मतलब पानी लग जाता था, ठीक है। तो मतलब सब में एक ही बार में पानी चला जाता था डायरेक्ट नहरों के द्वारा ही, तो इसको हम यहाँ पे चार बाग शैली कहते थे। आगे बढ़ते हैं, तो इसको हम चार बाग शैली का जनक कहते हैं बाबर को, ओके। आगे बढ़ते हैं इसमें, आगे क्या है भाई, आगे इसमें मीर बाकी के नेतृत्व में अयोध्या में इन्होंने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया है, ठीक है, यानी मीर बाकी के नेतृत्व में, ठीक है, उन्होंने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया है। आगे इसमें बढ़ते हैं, आगे क्या है भाई कि हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं का मकबरा का निर्माण करवाया, यानी हमीदा बानो बेगम जो थी उनकी पत्नी थी, यानी हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम, तो उन्होंने हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया है। अभी हमको दिखाते हैं हुमायूं टॉम्ब को, यानी हुमायूं का मकबरा को, और उसमें आपको बताएंगे गुंबद, मेहराब, ठीक है, सब कुछ अभी बता देंगे। देखिए आगे इसमें कि अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा, आगरा का किला और यहाँ पे इलाहाबाद के किले का निर्माण कराया है। और आपको यहाँ पे याद होगा कि फतेहपुर सिकरी को इसने अकबर ने यहाँ पे अपनी राजधानी जो कि बनाने का प्रयास किया था, लेकिन वहाँ की जो स्थान है, वहाँ की जलवायु जो है, उनको यहाँ पे सूटेबल नहीं था, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने उसको जो कि राजधानी न बना करके यहाँ पे अपना दिल्ली में ही राजधानी बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे बुलंद दरवाज़ा जो है वो कब मतलब बनवाया गया था, तो बुलंद दरवाज़ा को आपको याद होगा कि जब गुजरात अभियान जो किया गया था, तो गुजरात के विजय अभियान के दौरान ही इसे यहाँ पे जो कि इस अभियान को बनाया गया था। और आपसे हमें प्रश्न पूछेगा सबसे तेज अभियान कौन सा था अकबर का, तो वो था गुजरात अभियान। आप याद रखिएगा इसको, गुजरात अभियान जो है वो अकबर का सबसे तेज जो कि अभियान था, और यह चूंकि 9 दिन में, ठीक है, 9 दिन में इस अभियान को किया गया था और बहुत ही तेज एकदम अभियान था, इसको याद रखिएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, तो आप याद रखिएगा इसमें अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा, आगरा का किला भी और यहाँ पे इलाहाबाद के किले का निर्माण कराया है, ठीक है। चलिए हम आपको यहाँ दिखाते हैं जो हुमायूं का टॉम्ब है, ठीक है, देख लीजिए हुमायूं टॉम्ब, देख लीजिए भाई यहाँ पे, देखिए देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो हमारा ऊपर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये वाला पोर्शन, देखिए यहाँ पे ऊपर जो हमारा पोर्शन है इसको हम गुंबद कहते हैं, ठीक है, यानी जो गोल इस प्रकार से बनाया जाता है। तो देखिए ये हमारा जो कि किसके समय से हुआ है, तो बाबर के समय से ही बनना जो कि स्टार्ट हो गया था, लेकिन
यहाँ पे देखिए जो गुम्बद है, ये छोटे छोटे यहाँ पे जो गुम्बद बने हुए हैं, ये किसके समय से हुआ है? तो बाबर के समय से हुआ है। और मेहराब क्या होता है इसको आप समझ लीजिए। तो मेहराब आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा अंदर की तरफ धंसा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा अंदर की ओर क्या हुआ है, धंसा हुआ है, तो इसको मेहराब कहते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से कुछ अंदर की ओर डिजाइन बनाया गया है, इस प्रकार से अंदर की ओर, ठीक है, तो इसको मेहराब कहते हैं। और ये हमारा गुम्बद होता है, ठीक है, और ये हमारा हुमायूं टॉम्ब है। तो हुमायूं टॉम्ब में आपको मैंने बताया था कि जब मकबरों के बारे में बताया था, किसका मकबरा कहाँ पर है उसको आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा जरूर से। तो इसमें हुमायूं का जो मकबरा है यहाँ पे दिख रहे हैं, इसी के उधर मतलब उस साइड में आपको जितने भी और भी मतलब बहुत सारे राजाओं का मकबरा यहाँ पे जो कि उपस्थित है, यानी हुमायूं के मकबरा के पास में बहुत सारे राजाओं का मकबरा भी यहाँ पे उपस्थित है। यानी हुमायूं के मकबरे के पास में ना जो कि साइड साइड में पूरा एकदम मतलब कि समझ लीजिए मकबरे को बिछा दिया गया है, एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मकबरा है। सबसे ज़्यादा मकबरा कहाँ पे? तो दिल्ली में है, हुमायूं के यहाँ पे जो कि मकबरा के पास में, ठीक है। तो हुमायूं का मकबरा देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पर है, यहाँ पे हुमायूं का मकबरा ना, यहाँ पे आप सीढ़ी से प्रकार से चढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको हुमायूं का मकबरा यहीं पे बना होगा, ठीक है, यहीं पे। तो आप इसको यहाँ पे देख लीजिए यहीं पे इस प्रकार से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे इसमें बढ़ते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि गुंबद और यहाँ पे मेहराब क्या होता है। आगे इसमें बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं कि जहांगीर के समय में नूर जहां ने एतमादुद्दौला का मकबरा का निर्माण कराया है, ठीक है। यानी जहांगीर के समय में जो नूर जहां थी, यानी उनकी जो पत्नी थी नूर जहां, जिसको हम यहाँ पे मेहरून निशा के नाम से जानते हैं, तो ये जो है एतमादुद्दौला का मकबरा का निर्माण कराया है। यानी एतमादुद्दौला जो थे वो कौन थे भाई? तो नूर जहां के पिताजी थे, ठीक है, नूर जहां के पिताजी थे एतमादुद्दौला। तो इन्होंने जहांगीर के समय में ही नूर जहां ने एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया है, और ये सबसे पहला मकबरा था, ठीक है, यानी ताजमहल से भी पहले इसको बनाया गया था, इस मकबरे को, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। और ये एतमादुद्दौला का जो मकबरा है यह किस रंग का था? तो ये एकदम मतलब सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया था, और एकदम सफ़ेद था, ठीक है। तो ये सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया था, जैसे कि इस प्रकार से, जैसे ये हमारा सीढ़ी है ना, और यहाँ पे देखिए सीढ़ी इस प्रकार से कुछ बनाया गया था ना, तो सीढ़ी पर यहाँ पे इस प्रकार से कुछ यहाँ पे डिजाइन बनाया गया था, ठीक है, इस प्रकार से डिजाइन, ठीक है, ये दोनों इस प्रकार से कुछ डिजाइन बनाया गया था। यानी सीढ़ियों पर इस प्रकार से कुछ डिजाइन बना देते थे, मतलब इसको थोड़ा काट के अंदर से उतने जो कि पत्थर को निकाल दिया जाता था, और यहाँ पे डिजाइन को बना दिया जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत ही बेहतरीन जो कि इसको बनाया गया था एतमादुद्दौला का भी मकबरा, ठीक है। तो सबसे पहला मकबरा कौन है भाई? तो एतमादुद्दौला का मकबरा है, यानी ये हमारा ताजमहल से भी पहले का है बना था, ठीक है। और ये जो सफ़ेद संगमरमर से जो बनी जो इमारत है, इसको इटली की पद्धति, यानी इटली की जो पद्धति है पिएट्रा डोरा, ठीक है, उसके यहाँ पे पद्धति से इसको बनाया गया था एतमादुद्दौला का मकबरा, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे इसमें बढ़ते हैं, तो यहाँ पे मुगलकालीन स्थापत्य कला में गोल गुंबद यहाँ पे मुक्त भवनों का निर्माण हुआ है, जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ पे ऊपर जो कि दिखाया है, ओके। तो आगे इसमें बढ़ते हैं, यहाँ पे गोल गुंबद का निर्माण कराया गया है मुगल काल में, ओके। आगे इसमें देखिए, आगे क्या है भाई, कि शाहजहां स्थापत्य कला में रुचि रखता था, इसलिए इसे शाहजहां मतलब शाहजहां के काल को स्वर्णकाल कहा जाता था। तो मतलब कि जो शाहजहां है वो मतलब स्थापत्य कला में बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे, जैसे कि आपको पता होगा कि ताजमहल का निर्माण कराया है, फिर लाल किला का निर्माण कराया है, फिर यहाँ पे जामा मस्जिद का निर्माण कराया है, यानी बहुत सारी चीज़ों का निर्माण कराया है। इसीलिए इनके काल को यानी शाहजहां के काल को क्या कहते हैं, यहाँ पे स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। यानी मुगल काल का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो शाहजहां के काल को। आगे इसमें बढ़ते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, आगे इसमें कि इसने दिल्ली में यानी जो साजा है उन्होंने दिल्ली में क्या क्या बनवाया भाई? तो जामा मस्जिद, लाल किला इत्यादि का निर्माण कराया है, ठीक है। तो लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया है? तो यहाँ पे जो कि साजा ने कराया है, ठीक है, तो यहाँ पे दिल्ली में है, ओके। आगे इसमें बढ़ते हैं, आगे इसमें कि आगरा के किला में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां और दिल्ली के किला में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न होगा, इसको ध्यान से थोड़ा देखिए और समझिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला गया भाई कि आगरा का जो किला है, यानी आगरा का किला जो है ना वो अकबर ने बनवाया था, ठीक है। आगरा के किले को किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। और जो दिल्ली का यहाँ पे किला है, दिल्ली का जो लाल किला है, ठीक है, इसको किसने बनवाया था? तो यहाँ पे शाहजहां ने बनवाया था। तो अब इसमें बोला गया है कि आगरा का जो किला, यानी जो अकबर ने आगरा किला बनवाया है, उसके अंदर यानी आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो यहाँ पे शाहजहां ने करवाया है। और जो दिल्ली का जो किला है, दिल्ली का जो लाल किला है, उसके अंदर जो कि मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया है? तो यहाँ पे दिल्ली के लाल किले के अंदर यहाँ पे जो मोती मस्जिद का निर्माण है वो किसने कराया है? तो औरंगजेब ने कराया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए। तो आगरा के किला के अंदर शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कराया है, और यहाँ पे जो दिल्ली का लाल किला है उसके अंदर औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण कराया है, ठीक है। तो चलिए आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे इसमें बढ़ते हैं, आगे इसमें आगरा में ताजमहल यानी शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया है, आपको ये पता ही है, ठीक है। आगरा में जो कि ताजमहल का निर्माण कराया गया है शाहजहां के द्वारा, और यहाँ पे यह मुगल काल के सबसे बड़ा मकबरा है, ठीक है।
तो मुगल का क्या सबसे बड़ा मकबरा कौन सा है? तो ये हमारा ताजमहल, और ताजमहल में मुमताज और शाहजहां दोनों का कब्र जो कि हमें दफनाया गया है। ठीक है, आगे से बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे औरंगजेब ने औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया, यानी औरंगजेब जो है उन्होंने औरंगाबाद शहर की स्थापना किया था। ठीक है, और औरंगाबाद में इसने बीबी का मकबरा का निर्माण कराया, जिसे हम द्वितीय ताजमहल या फिर घाटिया ताजमहल के जो कि नाम से जानते हैं। यानी इनकी जो पत्नी है ना एकदम परेशान कर देती। ठीक है, अब भाई परेशान कर देती कि नहीं हमको भी ताजमहल चाहिए, हमको भी ताजमहल चाहिए। तो अब भाई ये औरंगजेब क्या करे भाई, एकदम परेशान हो गया था खुद, मतलब इधर भी लड़ाई वड़ाई कर रहा था, तब तक इधर ये परेशान किए थे कि नहीं हमको मकबरा चाहिए जो कि ताजमहल बनाना है, ताजमहल बनाना है। तो ले यहाँ पे इस प्रकार से जो कि ताजमहल बना दिया गया। तो अब तो आपको यहाँ पे क्लियर हो ही गया होगा कि औरंगाबाद में जो कि बीबी का मकबरा बनाया गया है, और इसे घटिया ताजमहल या फिर द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे से हम बढ़ते हैं। आए क्या है भाई कि अंतिम मुगल बादशाह जो बहादुर शाह जफर था, उसने अपना मकबरा जो है जो कि बनवाया है, और उसे हयाती मकबरा या फिर यहाँ पे हयाती कब्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी हयाती मकबरा या फिर उसे हयाती कब्र के नाम से जानते हैं, जो कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने अपना जो कि बनवाया था। ठीक है, और ये जो हयाती कब्र है या फिर इसे हयाती मकबरा के नाम से जानते हैं, तो यह आज तक कि एकदम खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, किसी को जाना हो तो यहाँ पे बोल दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे से हम बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई, देखिए आगे से हम देखते हैं मुगल कालीन चित्रकला के बारे में। ठीक है, स्थापत्य कला को हमने डिस्कस कर लिया है, अब चित्रकला के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए चित्रकला में हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो मुगल कालीन जो चित्रकला है वो बाबर के काल से शुरू जो हुआ था, और इसे इसके दरबार में जो है वो बेहसाब के नामक चित्रकार जो कि रहते थे। ठीक है, तो देखिए बाबर के काल से ही यहाँ पे चित्रकला भी जो कि स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो आप इसमें याद रखिएगा बाबर के दरबार में जो चित्रकार थे वो कौन थे भाई, तो बेहजाब थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इससे आपको प्रश्न आएंगे, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एकदम ध्यान से देखते चलिएगा। हुमायूं के दरबार में मीर सैयद अली और अबू समद, ठीक है, यहाँ पे अबू रहेगा, ठीक है, अबू समद, ठीक है, यहाँ पे सौ रहेगा, अबू समद रहेगा। ठीक है, यानी हुमायूं के दरबार में मीर सैयद अली और अबू समद, देखिए वैसे तो और भी चित्रकार हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चित्रकार थे जिसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हुमायूं के दरबार में ये दो चित्रकार को याद रखिएगा, मीर सैयद अली और यहाँ पे अबू समद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे अकबर के दरबार में यहाँ पे दसवंत तथा बसावन जो कि रहते थे, यानी ये जो चित्रकार हैं वो किसके दरबार में रहते थे, तो यहाँ पे अकबर के दरबार में रहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे दसवंत और बसावन अकबर के दरबार में, मीर सैयद अली और अबू समद यहाँ पे हुमायूं के दरबार में। ठीक है, आप याद रखिएगा, और बाबर के दरबार में बेहजाब। ठीक है, आगे इसमें देखिए, आगे क्या है भाई कि जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, जैसे कि उसमें शाहजहां के काल को जो कि स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता था, वैसे यहाँ पे जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इसको, दोनों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे यहाँ पे जो कि क्वेश्चन इसमें दे सकता है कि जहांगीर के काल को चित्रकला का जो कि स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। ठीक है, इस पर आप जो कि बनाना पड़ेगा, मतलब कि लिखने के लिए दे सकता है यहाँ पे, जैसे कि यूपीएससी में मेंस। ठीक है, और यहाँ पे शाहजहां पे भी दे सकता है, यानी शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, ये भी आपको क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये पढ़ा रखा है, आप उसको जोर से देख लीजिएगा, आप इसको आसानी से लिख लेंगे आपके यूपीएससी नोट में। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं। तो और इसमें लिखा गया है कि यदि किसी चित्र को कई लोग मिलकर के बनाए हो तो मैं बता सकता हूँ कि कौन सा भाग किसने बनाया, यानी जो जहांगीर था वो इतना ज़्यादा चित्रकला में रुचि रखता था, यानी इतना ज़्यादा माहिर था कि वो अगर कोई भी मतलब एक पेंटिंग को बहुत सारे जो कि चित्रकार मिलकर के बनाए हैं तो उसमें वो बता देगा कि हाँ भाई ये चेहरा किसने बनाया है, पेट किसने बनाया है, पैर किसने बनाया। ठीक है, यानी सभी चीज़ों को एकदम, बाल किसने बनाया, आँख किसने बनाया, ठीक है, एकदम एक ही चीज़ों को बता देगा कि भाई कौन किसने बनाया है। ठीक है, तो उस चित्रकार को वो बता देगा एकदम, मतलब इतना ज्यादा उसको मतलब कि गहन उसने चित्रकला में यहाँ पे रुचि थी। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। आगे से बढ़ते हैं, आगे देखिए यहाँ पे इसके दरबार में बीसन दास और यहाँ पे मंसूर और अबुल हसन। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा तीनों को, यहाँ पे हुमायूं जो जहांगीर के दरबार में कौन कौन थे भाई, तो बीसन दास, मंसूर और अबुल सहन। ठीक है, तो आप दोनों को याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बाद में चल करके जब औरंगजेब आया तो जो भी अकबर के मकबरा और जो किला थे, ठीक है, उसमें बहुत सारे जो कि चित्र बनाए गए थे, जैसे इस प्रकार से है ना, तो इसमें बहुत सारे चित्र बनाए गए थे, और चित्र को क्या किया कि औरंगजेब ने सब कुछ मिटवा दिया एकदम, मतलब सबको एकदम मिटवा दिया, जितना भी चित्र बनाया गया था सबको यहाँ पे मिटवा दिया औरंगजेब। यानी औरंगजेब के समय जो कि एकदम पतन हो गया था, यानी मुगल काल का एकदम पतन, चन्मो उत्कर्ष पर एकदम चला गया था, और यहाँ पे वहीं से उसका जो पतन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको मुगल काल की प्रशासनिक व्यवस्था में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, जो भी यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो हमने आपको क्लियर करा दिया है, और इसके पहला वाला पार्ट जोर से देख लीजिएगा, उसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, तो जाइए आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जोर से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको दोहरा लीजिएगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, वंदे मातरम।